प्यारी सत्संग जी, प्यार भरी अराधा स्वामी जी, सत्संग जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सत्संग जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है, तो सत्संग जी इस साखी को पूरा सुनने की कृपालता ज़रूर कीजिए। सत्संग जी, जैसा कि आपको पता है कि जब हम बाबा जी से प्रेम करते हैं तो बाबा जी हमें उस प्रेम के बदले में दुगना प्रेम करते हैं, तो सत्संग जी आज की जो साखी है उस सत्संगी के लिए है जो जिसे लेने बाबा जी आधी रात को बिना किसी बताए स्टेशन पर चले गए। सत्संग जी, ये जो सत्संगी था वह जो है वह यूपी का रहने वाला था और बाबा जी को बहुत मानता था, लेकिन उस सत्संगी को बड़े समय पहले डेरे आया था जब वह बचपन में था, तो क्योंकि उसकी इतनी हालत अच्छे नहीं थे जिसके कारण वह दोबारा डेरे में आ सके, तो सत्संग जी जब वह डेरे में आया तो वह देखता है कि डेरे जाने का उसने प्रोग्राम बनाया, लेकिन कई कारणों के कारण डेरे में आने का उसका जो प्रोग्राम वो रह जाता, जिसके कारण वह हर बार दुखी हो जाता। उसकी पत्नी कहती है कि आप दुखी क्यों हो जाते हो, तो वह कहता है कि जब भी मैं डेरे पर जाने का प्रोग्राम बनाता हूँ कई कारणों के कारण मेरा जो है डेरे का प्रोग्राम रह जाता है, तो उसकी बीवी कहती है आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, बाबा जी हमेशा ही हमारी सुनते हैं, तो क्या पता आप भी हमारी सुनेंगे, तो वो कहता है कि आप सही कहती हैं लेकिन मुझे भी तो कोशिश करनी होगी, तो वो कहती है बिना कर्मों के आप बाबा जी से नहीं मिल पाएंगे, तो वो कहता है कि मेरे मन में बाबा जी को मिलने की बड़ी आस है और इस आस को मैं पूरा करना चाहता हूँ, तो उसकी पत्नी कहती है कि आप किसी प्रकार की चिंता मत लगाइए, अगर आपकी बाबा जी से मिलने की आस है तो बाबा जी आपकी आस जरूर पुगाएंगे, क्योंकि बाबा जी अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, आप किसी प्रकार की चिंता मत लगाइए, तो वो कहता है कि तुझे भी पता है चिंता मुझे किसी बात की नहीं है, मुझे तो सिर्फ बाबा जी से मिलना है, तो वो कहती है कि आप लास्ट टाइम में डेरे कब गए थे, वो कहता है कि मैं बचपन में अपने पिताजी के साथ गया था, तुम्हें तो पता है यहाँ से डेरा भी कितनी दूर है और अगर मैं डेरे जाऊँगा भी तब भी मुझे जो है वो पहले अपना बंदोबस्त करके जाना होगा कि मैं 4-5 दिन के लिए डेरे जाऊंगा, तो वो कहती है आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, आप छुट्टी ले लीजिए, तो वो कहता है कि तुम्हें भी पता है छुट्टी के बिन लूँगा तो गुजारा नहीं होगा, तो वो कहती है फिर आप क्या करेंगे, तो वो कहता है कि ये जो है सिर्फ बाबा जी पर जो है निश्चय है, अगर बाबा जी मुझे बुलाना चाहते हैं तो वह मुझे अपने पास ज़रूर बुलाएंगे, तो वो कहती है कि फिर आप किस बात की चिंता करते हैं जब आपने सब कुछ बाबा जी पर ही छोड़ा है, तो वो कहता है कि तुम्हें तो पता है कि बाबा जी पर कुछ ऐसे छोड़ने से नहीं होगा, हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा, तो वो कहती है कि आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए, हम हमेशा ही बाबा जी के पास हैं और बाबा जी भी हमारे साथ हैं, हमें तो सिर्फ उसका शुक्रिया अदा करना होगा, तो वो कहता है कि ये बात तो तू बिल्कुल सही कहती है और शुक्रिया अदा करना बाबा जी हमें ज़रूर बुलाएंगे, तो वह कहता है कि अब मुझे काम के लिए देर हो रही है मैं जाता हूँ, तो उसकी पत्नी कहती है कि आप जाइए, किसी प्रकार की अपने मन में टेंशन मत लगाइए, बाबा जी जो है वह पक्षनहार हैं, वह हमें अपने पास ज़रूर बुलाएंगे, तो वो कहता है कि ये बात तुम्हें भी पता है कि हम लोग बाबा जी से कितना प्रेम करते हैं, तो वो कहती है कि प्रेम तो बाबा जी से सभी करते हैं,
लेकिन अगर हम बाबा जी की रजा में रहे तो सब कुछ ठीक होगा। और वह अपने काम पर चला जाता है तो वह अपने एक दोस्त से कहता है कि मैं कई सालों से डेरे नहीं गया, मेरा डेरे जाने का बड़ा मन कह रखता है। तो वो कहता है कि इसमें चिंता करने की क्या बात है, हमारा जो सेठ है वो भी बाबा जी को बड़ा मानता है, अगर तुम उनसे इस बारे में कहोगे तो वह तुम्हें सच में जाने देगा। तो वो कहता है क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है पहले मुझे कहने का मौका नहीं मिला। तो सत्संगत जी जो है वह कहता है कि मैं आज सेठ जी से ही बात करूँगा। तो वो कहते हैं कि हाँ तुम काम के बाद जो है सेठ से बात करना, वह तुम्हें ज़रूर छुट्टी दे देगा। तो वह सेठ जी के पास जाता है और अपने सेठ को कहता है कि सेठ मैंने सुना है आप बाबा जी को बहुत मानते हैं। तो सेठ कहता है हाँ मैं बाबा जी आज मैं जो हूँ बाबा जी की वजह से हूँ। तो वो कहता है कि सेठ मुझे छुट्टी चाहिए, मैं बचपन में जो हूँ वो ब्यास गया था, उसके बाद मैं कभी भी ब्यास नहीं गया। तो सेठ कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने मुझे ये पहले बात क्यों नहीं बताई, अगर बताई होती तो मैं तुम्हें छुट्टी दे देता। तो वो कहता है कि सेठ मैं पूरे परिवार के साथ डेरे जाना चाहता हूँ। तो सेठ कहता है कोई बात नहीं, ऐसा करो 3-4 दिन की छुट्टी ले लो और तुम डेरे जाओ। तो वो कहते हैं कि मैं डेरे चला जाऊँगा लेकिन सेठ काम का क्या है। तो सेठ कहता है कि कोई बात नहीं तुम आकर काम कर लो, अगर कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मुझसे ले लेना। तो वो कहता है सेठ क्या आप मुझे एडवांस दे सकते हैं। सेठ कहता है ये लो कुछ पैसे और ये समझ लेना कि बाबा जी ने तुम्हें दिए हैं और मुझे वापस करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर सेठ की वह जो आदमी है वह रोने लग पड़ता है और कहता है कि सेठ आपने मुझे इतना मान दिया है। तो वो कहता है कि हमारे बाबा जी कहते हैं कि जब कोई किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो तो आपको उसकी मदद ज़रूर करनी होगी, मैं तो बाबा जी की कही हुई बातों को दोहरा रहा हूँ। तो वो कहता है कि आप किसी प्रकार की चिंता मत करना, ये पैसे रख लो और जब अच्छी तरह बाबा जी के दर्शन कराना, मुझे भी बताना बाबा जी के कैसे दर्शन हुए हैं। अपने सेठ की बात सुनकर वो कहता है कि सेठ आप जैसा कोई नहीं है। सेठ कहते हैं कि तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बाबा जी हम सबका साथ देते हैं और वह हमारा हर मुश्किल में काम करते हैं, तुम्हारा काम हो गया और अब तुम जाओ। वैसे भी परसों बाबा जी का भंडारा है, तुम भंडारा देख कर आओ। तो वह बड़ा खुश होता है और घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी कहती है कि आप तो व्यर्थ में ही टेंशन लगाते हैं, देखिए बाबा जी ने हमारा काम बना दिया। तो वो कहता है कि हाँ जो बाबा जी पर विश्वास करता है बाबा जी हमेशा ही अंग संग रहते हैं। तो सत्संगत जी वो अपनी पत्नी को कहता है कि सामान बांधो, कल ही हम डेरे की तरफ जाएंगे, मेरे सेठ ने हमारी टिकटें भी बुक करा दी हैं। तो ये बात सुनकर उसकी बीवी कहती है कि आपके सेठ तो बड़े अच्छे हैं। तो वो कहते हैं कि वह भी बाबा जी को मानते हैं और जो बाबा जी को मानता है वो कहता है कि सेठ की बाबा जी कहते हैं कि हमेशा ही गरीबों की और बेसहारों की मदद करो, ये बाबा जी कहते हैं। उसकी बीवी बड़ी खुश होती है और अपनी पैकिंग करती है और उसका पति कहता है कि कल शाम की हमारी टिकटें हैं। वह सारे परिवार के साथ जो है डेरे जा रहे थे और पड़ोस वालों को कहे आए कि हमारे घर की ध्यान रखना और वह डेरे के लिए रवाना होते हैं। तो उनको वहाँ पर रास्ते में वह बड़े खुश होते हैं कि इतने सालों के बाद हम डेरे जा रहे हैं। तो उसका पति जो था वो इस बात के लिए रोई जा रहा था कि इतने सालों के बाद मैं डेरे जा रहा हूँ। उसकी पत्नी कहती है कि आप तो व्यर्थ में ही टेंशन लगाते हैं, बाबा जी के होते हुए हमें किस चीज़ की कमी है।
तो वो कहता है कि ये तो बात तुमने बिल्कुल सही कही है कि जब बाबा जी हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं करनी होनी चाहिए। तो उसकी बीवी बड़ी खुश थी कि मेरे पति को कम से कम इस बात का एहसास तो हुआ है। और उधर जब बाबा जी को इस बारे में पता लगा कि वह इतने सालों के बाद मिलने आ रहा है, तो बाबा जी भी जो है कहते हैं, वो भी बाबा जी कहते हैं कि मुझसे मिलने के लिए इतने सालों से वो आ रहा है तो मुझे जाना होगा। और बाबा जी बिना किसी को बताए हुए आधी रात को स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। और उस समय बाबा जी, ठंड का मौसम था, शॉल ओढ़ी थी, इसी कारण किसी को पता नहीं लगा। तब जब वह गाड़ी आई, उस समय तकरीबन रात के 2 बजे थे, तब वह कहता है कि रात हो गई है, अब हमें रहने का बंदोबस्त का करना होगा। लेकिन उसकी जो पत्नी थी वो कहती है कि आप तो इतने सालों के बाद आए हैं, आपको यहाँ का कुछ नहीं पता होगा। तो वो कहती है कि तू किसी प्रकार की चिंता मत लगा, बाबा जी हमारे साथ हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है कि हाँ, ये तो बात सही है। उधर बाबा जी ने शॉल से मुंह लपेटा हुआ था। और जब वे आए तो कहते हैं कि आपको कहाँ पर जाना है। तो वो कहते हैं कि आप कौन हैं। तो वो कहते हैं कि हम डेरे के सेवादार हैं। ये बात सुनकर वो कहता है कि ठीक है, हमें जो है वो डेरे में काफ़ी सालों के बाद आए हैं, तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में हमें नहीं पता, हमें किसी शेड में ठहरा दीजिए। तब बाबा जी कहते हैं यहाँ पर तो कई शेडें हैं। तो वो कहता है वो शेड जो बाबा जी की कोठी के पास हो, उसी शेड में पहुँचाना। तो वो कहते हैं क्यों। तो वो कहते हैं कि इतने सालों के बाद मैं अपने सतगुरु के यहाँ पर आया हूँ घर में, मैं अपने सतगुरु को जितने दिन रहना चाहूँ उतने दिन जो है देखना चाहता हूँ। तब वह बाबा जी कहते हैं कि आपके सतगुरु बाबा जी तो कहते हैं कि भजन सिमरन के जरिए हमेशा ही जो है आप मेरे करीब रह सकते हो। लेकिन वो कहता है इन अखियों को बाबा जी चाहिए और हम बाबा जी से मिलना चाहते हैं। तो वे कहते हैं कि ठीक है, हम आपको शेड तक पहुंचा देते हैं। तो वह सारा परिवार शेड में जो है रहता है और देखता है कि वहाँ पर काफ़ी संगत आई हुई है, वह बड़े खुश होते हैं। तब बाबा जी कहते हैं कि आप लंगर खाइए। तो वो कहता है नहीं, हम लंगर नहीं खाएंगे। पर उसकी बीवी कहती है मुझे भूख लगी है। तो वह सारे लंगर खाने चले जाते हैं। तो उस समय वह लंगर में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो आदमी उनके साथ आया था वो कहीं नहीं है। तो वह कहते हैं कि यहाँ पर जो आदमी था वो कहाँ था। तो वहाँ पर सेवादार कहते हैं कि आपके साथ तो कोई नहीं था। तो वह कहते हैं कि वह हमें स्टेशन से शेड तक लेकर आए और अब लंगर तक। तो वो कहते हैं कि आप तो अकेले ही हमने देखा था, दूर से आ रहे थे। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे साथ एक आदमी था सरदार जिन्होंने मुँह लपेटा हुआ था। सेवादार कहते हैं कि आपको वहम हो गया। तब वह जो सत्संगी था वह रोने लग पड़ा। तब उसकी पत्नी कहती है आपको क्या हुआ, आप क्यों रोने लग पड़े। तब वह कहता है कि मुझे लेने कोई सेवादार नहीं बल्कि बाबा जी खुद आए हैं। उसकी बीवी कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी तो वो कहता है कि वो बाबा जी किसी और को दिखाई नहीं दिए, हमें दिखाई दिए हैं। सत्संगत जी वो कहता है कि जितनी बाबा जी से मिलने की तड़प हमें होती है उतनी ही जो है बाबा जी को हमें मिलने की होती है, लेकिन हम बाबा जी के इस प्यार को समझ ही नहीं पाते। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी, हमें बाबा जी के कहे अनुसार हमेशा ही भजन सिमरन ज़रूर करना चाहिए। तो गुरु प्यारी सत्संगत जी,
ये रही मेरी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और स्मूथ साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी, और हमेशा ही बाबा जी पर अपने विश्वास को अटल ज़रूर बनाइएगा।